डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक गेट्स जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, ये हैं एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ये तीन बेसिक गेट्स हैं। नैंड गेट, नॉर गेट, दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। देन एक्सओआर एंड एक्सनॉर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि गेट क्या है और लॉजिक गेट क्या है। तो गेट जैसे हमारे घर में होता है, जब हम अपने गेट को बंद कर देते हैं तो कोई उसमें से आ जा नहीं सकता, और जब हम अपने गेट को ओपन कर देते हैं तो उसमें से एंट्री एंड एग्जिट हो सकती है। सिमिलरली हमारे लॉजिक गेट हैं। तो जब हमारे गेट, लॉजिक गेट क्लोज होते हैं या ऑन होते हैं तो उसमें से करंट फ्लो कर सकता है, और जब लॉजिक गेट्स ऑफ होते हैं या ओपन होते हैं तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, कहने का मतलब यह। तो देखिए, लॉजिक वन इज कॉल्ड ऑन गेट, क्या इस केस में ऑन है या क्लोज है, तो इस केस में से कनेक्शन, जो सर्किट का कनेक्शन है, कंप्लीट हो जाएगा और करंट पास हो सकता है। लॉजिक जीरो ऑफ, गेट ऑफ है या ओपन है, तो जब गेट ओपन है या ऑफ है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक गेट से, एंड गेट। एंड गेट का दूसरा नाम मल्टीप्लायर भी है, और इट इज यूज टू मल्टीप्लाई द इनपुट्स। और इनपुट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो हम जो भी आप यहां पे फिगर में देख रहे हैं, जो गेट्स हैं वो टू इनपुट्स गेट्स हैं। देखिए, टू इनपुट। इसमें इनपुट तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमारा एक ही होगा। तो ये है आपका एंड गेट, इसका सिंबल है। हमने इनको कलर कर दिया है, इसको हमने ग्रीन कर दिया है, इसको हमने ऑरेंज कलर दे दिया है, इसको ब्लू दे दिया, जस्ट टू डिफरेंशिएट। एंड गेट देखिए, दो इनपुट हैं, एक आउटपुट वाई, तो वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो वाई क्या है, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन है, तो टू इनपुट नैंड गेट। ओके, अब हम इसकी हम डिस्कस करते हैं ट्रुथ टेबल, कि इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा। तो ट्रुथ टेबल बेसिकली जो ट्रुथ टेबल है डिनोट्स द फंक्शंस ऑफ दैट गेट। तो जो भी फंक्शन ये गेट परफॉर्म कर सकता है तो उसको हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रुथ टेबल में देखिए दो इनपुट है, इनपुट ए, इनपुट बी, ये है आपका आउटपुट। आउटपुट क्या है, ए इंटू बी। क्या है इसमें, देखिए टू इनपुट है, तो यहां पे हमारे चार रो बनेंगे, 00, 01, 10, 11। तो दोनों इनपुट 00 है तो आउटपुट क्या होगा, 0, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, सिमिलरली 01 आउटपुट क्या होगा, 0, 10 आउटपुट क्या होगा, 0, और जब दोनों इनपुट 11 है आउटपुट क्या होगा, 1, बिकॉज 1 into 1, 1। अब हम देखते हैं स्विचिंग सर्किट ऑफ एंड गेट। तो देखिए, यहां पर वोल्टेज सोर्स है, दोनों गेट हैं, दोनों हमारे स्विच हैं, इनपुट स्विच ए एंड बी, तो हमने ऐसे कर दिए हैं। तो एंड गेट में दोनों आपके जो स्विच हैं वो सीरीज में लगे होंगे, क्योंकि जब दोनों ही क्लोज होंगे, क्लोज कब होंगे, जब ये हमारा यहां पे मिल जाएगा और ये हमारा यहां मिल जाएगा, तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा लैंप है, तो लैंप तभी ग्लो करेगा जब दोनों हमारे स्विच वो क्लोज मोड में आ जाएंगे और करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा। तो लैंप विल ग्लो इफ बोथ स्विच ए एंड बी आर क्लोज्ड। ये क्लोज हो गए, क्लोज कैसे होंगे, क्लोज हो गए ऐसे जाएंगे, ये आपके क्लोज हो गए। तो जब ये हमारा स्विच है वो यहां पे टच कर जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो लैंप विल ग्लो इफ बोथ स्विच ए एंड बी आर क्लोज्ड और ऑन। ये है एंड गेट। नाउ और गेट, और गेट को हम एडर भी कहते हैं। एडर, दो इनपुट हैं, ए बी, आउटपुट क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो टू इनपुट और गेट, इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, ये आपकी ट्रुथ टेबल है। तो इसका देखिए ट्रुथ टेबल क्या होगा, 00 आउटपुट क्या होगा, 0,
क्योंकि आउटपुट क्या है, एडिशन ऑफ इनपुट है, तो 000 ये बाइनरी के अंदर है, 01 1 10 1 and 1 + 1 1 1 कैरी हो गया। बाइनरी में क्या होता है, अगर हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 1 और 1 क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ इसके बाद हमारा इसका स्विचिंग सर्किट, तो ये है स्विचिंग सर्किट। तो यहां इस केस में जो दोनों स्विच हैं ए एंड बी, वो किस मोड में है, वो है आपके पैरेलल मोड में। किस मोड में है, पैरेलल मोड में। तो ये वोल्टेज सोर्स है, ये लैंप है, तो लैंप विल ग्लो इफ आइदर स्विच इज ऑफ, सॉरी आइदर स्विच इज क्लोज्ड। तो कोई एक स्विच भी क्लोज होगा तो करंट फ्लो कर जाएगा, या तो ऐसे फ्लो कर जाएगा या फिर ऐसे फ्लो कर जाएगा। सो फॉर OR गेट हियर स्विचेस ए एंड बी आर इन पैरेलल एंड लैंप विल ग्लो इफ आइदर स्विच इज क्लोज्ड और ऑन। ठीक है, तो कोई एक स्विच क्लोज होगा तब भी करंट यहां से फ्लो कर जाएगा, और दोनों स्विच क्लोज हैं, जैसे इस केस में 1-1 है, तो 1-1-1 का मतलब क्या है लॉजिक में, क्लोज्ड। तो दोनों स्विच क्लोज्ड हैं तब भी लैंप ग्लो कर जाएगा। थर्ड गेट है नॉट गेट इन्वर्टर। तो इन्वर्टर बेसिकली क्या करता है, जो इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है या इन्वर्ट कर देता है। उसका सिंबल क्या है, ए बार और ए डैश। तो नॉट गेट और इन्वर्टर। ट्रुथ टेबल क्या है, जो भी इनपुट होगा आउटपुट उसका अपोजिट हो जाएगा, तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0। नॉट गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर बिकॉज इट इज यूज्ड टू इन्वर्ट द इनपुट वैल्यूज। तो तीनों हमारे बेसिक गेट्स आ गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट एंड नॉर गेट दोनों क्या हैं, यूनिवर्सल गेट्स हैं। ठीक है, तो नैंड गेट देखिए, नैंड गेट के सिंबल दो हैं, या तो ये सिंबल आप यूज कर सकते हो या फिर ये सिंबल यूज कर सकते हो। ये आप राउंड देख रहे हो, ये बेसिकली इन्वर्टर है। ओके, और इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, जो नैंड गेट है वो किससे बनता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो दोनों ही सिंबल नैंड गेट के हैं। आउटपुट क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट। तो नैंड क्या है, एंड का कॉम्प्लीमेंट है। तो सिमिलरली यहां पर इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, ट्रुथ टेबल तो जो हमने देखिए एंड गेट की ट्रुथ टेबल पढ़ी है, ये है आउटपुट 1 कब है, जब दोनों इनपुट के हैं 1, अदरवाइज आउटपुट 0 है। बट नैंड गेट में इसका उल्टा होगा, क्योंकि नैंड गेट क्या है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस केस में देखिए 00 01 10, इन तीनों केसों में आउटपुट क्या होगा, 1-1 होगा। जब दोनों इनपुट 1-1 है, आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो नैंड गेट क्या है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो नैंड गेट एंड नॉर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द ऑर एंड नॉट गेट्स कैन बी रियलाइज्ड फ्रॉम दीज गेट। तो हम नैंड गेट एंड नॉर गेट की हेल्प से एंड गेट, ऑर गेट एंड नॉट गेट, इन तीनों को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये इसकी खूबी है। अब लास्ट में है हमारा नॉर गेट, आप देख सकते हो। तो नॉर गेट बेसिकली बनता है ऑर गेट एंड नॉट गेट से। तो या तो हम इसका ये सिंबल यूज कर सकते हैं, ये बेसिकली क्या, इन्वर्टर, और या फिर हम ये इन्वर्टर का सिंबल ये है, या फिर ये भी यूज कर सकते हैं। तो ऑर गेट नॉट गेट, इट इज कॉल्ड नॉर गेट। इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो क्या है, जो ट्रुथ टेबल है नॉर गेट की वो, अब देखिए ऑर गेट देखिए, ऑर गेट में आउटपुट 0 का है जब दोनों इनपुट 0 है, अदरवाइज आउटपुट 1 है। लेकिन नॉर गेट में क्या है, देखिए आउटपुट 1 कब है, जब दोनों इनपुट 0 है, अदरवाइज आउटपुट 0 है। तो नॉर गेट क्या है, ऑर गेट का कॉम्प्लीमेंट है या अपोजिट है। तो 00 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0, कैसे, इस तरह देखिए, जब हमारे ए एंड बी दोनों 0 हैं, 0 0 आउटपुट क्या होगा, 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। 01 देखिए, 0 और 1 है, आउटपुट क्या होगा, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो इसी तरह से आप
इन गेट्स को देख सकते हैं, इनका ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये काफी इजी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सओर एक्सनोर गेट। थैंक यू।